हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज बिजलानी फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, कल रिजल्ट आ गए चुनाव के और काफ़ी ही मतलब एज पर मार्केट के हिसाब से तो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आए। काफ़ी इन्वेस्टर निराश है क्योंकि जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था या जो एग्जिट पोल में आ रहा था उससे काफ़ी ही डिफरेंट रिजल्ट आए। और स्पेशली जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो थोड़ा सा अभी शेकी होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि बीजेपी के यहाँ पे इंडिविजुअल सीट्स जो थी 2019 में 303 सीट पे बीजेपी जीती थी, जो कि डायरेक्टली कम होके 240 के आसपास आ गई है। तो एक चिंता का विषय बना हुआ है मार्केट में कि अभी आगे क्या होगा, क्योंकि बीजेपी को जो बहुमत है 272, ठीक है उनके इंडिया एनडीए अलायंस के तो दिख रहे हैं 290+, बट ये अलायंस के जो लोग रहते हैं इनके ऊपर कितना भरोसा बीजेपी कर सकती है वो एक सोचने वाली विषय है। क्योंकि बीजेपी की अगर खुद की सीट रहती थी, इनफैक्ट मेरा ऐसा मानना है 10 सीट भी ज़्यादा ले आती थी बीजेपी, 10 या 15 भी ले आती थी, 250-55 भी ले आती थी, तो मार्केट इसे थोड़ा सेलिब्रेट करता था, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता था। अभी फर्क है ऑलमोस्ट 30-32 सीटों का, जो कि एक बड़ा फर्क कहलाता है। इंडियन मतलब गवर्नमेंट की बात करो, इंडिया की गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट की बात करूं, और ओवरऑल मतलब जो एग्जिट पोल तो बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग साबित हुए। कहाँ के कहाँ लोग बता रहे थे, कौन से न्यूज़ चैनल वाले, आपको पता है 350 पौने 400 325+ ऐसा बता रहे थे, और मार्केट उसे एंजॉय भी कर रहा था, वैसी रैली भी दे रहा था। तो मुझे काफ़ी फील हो रहा है जो बेचारे रिटेल इन्वेस्टर फंसे हुए हैं एग्जिट पोल के बेसिस पे, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। और हुआ ये है कि पब्लिक भी थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट थी, जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर बीजेपी खुद भी मुझे लगता है ओवर कॉन्फिडेंट थी, और बीजेपी ने भी कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि इतनी कम सीटें आएंगी। स्पेशली 2019 की जो उन्होंने सीट्स अचीव की थी 300+ खुद के दम पे, और अलायंस के साथ तो बहुत ही अच्छी सीट थी उनकी। अभी थोड़ा कट टू कट हो गया है, नेक टू नेक हो गया है मामला, और थोड़ा सा मतलब वरीसम भी है मार्केट के लिए। मार्केट के लिए मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट टिल दिवाली थोड़ा सा मार्केट रेंज में ही होने वाला है, ऊपर नीचे होता रहेगा। क्योंकि अभी बहुत कुछ मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, बीजेपी भी है तो बीजेपी भी उतना बोल्डली इतना फियरलेसली डिसीजन ले पाएगी नहीं ले पाएगी वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। और थोड़ा सा चेंज हो गया है अभी मार्केट, जो रैली आ रही थी पहले उससे अगर कंपेयर करें तो थोड़ा सा अभी संभल के आपको मार्केट को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई बहुत स्ट्रांग गवर्नमेंट नहीं है। नेक टू नेक आई है, नेक टू नेक आई है, एटलीस्ट नेक टू नेक आई है तो मार्केट रुके हुए हैं। नहीं तो मुझे ऐसा लगता था अगर बीजेपी की और कम सीटें आती थी तो लोअर सर्किट आज क्या हफ्ते भर तक आपको डाउन ही डाउन दिखता था मार्केट, और 30-40% भी करेक्ट हो सकता था। बट एटलीस्ट लोगों को अभी कुछ सेटिस्फेक्शन है कि ठीक है बीजेपी के 250 के आसपास सीट्स आई हैं, अलायंस उनके साथ हैं, अलायंस भी उनको ठीक है ज़्यादा जरूरत नहीं है, बट स्टिल दे कैन मैनेज इट। या एक रहता है ना कि ठीक है बीजेपी सत्ता चला लेगी, ऐसा अजम्पशन अभी लगाया जा रहा है, बट वी नेवर नो, मोदी जी फिर से कंटिन्यू करेंगे या अलायंस की और कुछ डिमांड रहेगी, या फिर अलायंस इंडी गठबंधन में जाएंगे। तो बहुत ही आने वाले 10-15 दिन बहुत ही मतलब रोचक होने वाले हैं, इंटरेस्टिंग होने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेडर्स, जो लोग बाय सेल ऊपर ऊपर बाय करते हैं नीचे सेल करते हैं। स्कैल्पर्स ने अच्छा पैसा बनाया होगा कल, जिस हिसाब से मार्केट ऊपर नीचे हो रहा था, इन्वेस्टर थोड़ा सा उदास रहेंगे। चलो देखते हैं कि अभी क्या स्टेट्स हैं, कौन सी पार्टी ने कितना गेन किया है और ओवरऑल क्या नंबर्स रहे हैं वो देख लेते हैं। तो ये टोटल नंबर रहे हैं महाराष्ट्र के, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कांग्रेस की 13 सीट आई है, बीजेपी की 9, उद्धव ठाकरे जी की 9, शरद पवार जी की 8, शिवसेना जो शिंदे जी अभी रन कर रहे हैं उनकी 7-1। तो यहाँ महाराष्ट्र में भी एक बड़ा सेटबैक लगा है, 3 स्टेट्स में बीजेपी को बड़ा सेटबैक लगा है, एक तो महाराष्ट्र, एक तो उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, राजस्थान, ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे बीजेपी को बड़ा सेटबैक लगा है।
तो 240 सीट्स आई हैं बीजेपी की, कांग्रेस की 99 आई हैं। समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ा उलटफेर किया, समाजवादी पार्टी की 32 सीट्स बढ़ी हैं। आप यही एग्जैक्टली डिफरेंस है, जो 32 सीटें, जो 32 सीटें समाजवादी पार्टी की बढ़ी हैं, 2019 में 5 सीटें आई थी, अभी 37 सीट्स आई हैं, तो 32 सीट्स का जो इजाफा हुआ है, यही बीजेपी को बहुत बड़ा डेंट लगा है। क्योंकि अगर ये 32 सीटें बीजेपी को मिलती थी तो बीजेपी की 272 हो जाती थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा उलटफेर कैसे हो गया, क्योंकि बीजेपी ने काफी एक्चुअली उत्तर प्रदेश में तो राम मंदिर का भी निर्माण किया। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के वोट बढ़ गए हैं या वो वोट डालने नहीं गए हैं, तो वोटर्स भी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, और बीजेपी के अपोजिट में जो वोट डालते हैं लोग, उन्होंने भर भर के वोट डाले हैं। आई होप आप समझ सकते हैं, मुझे तो इतना भी पता चला, वो दूर दूर से फ्लाइट लेके और ट्रेन लेके स्पेशली वोट डालने जा रहे हैं। जैसे मैं अभी महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो पुणे मुंबई से ऐसे बहुत सारे जो स्पेशली माइनॉरिटी के लोग हैं वो जा रहे थे वोट देने। तो थोड़ा सा क्या है कि जितने भी लोग बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, आपको अभी आने वाले चुनाव में अलर्ट रहना पड़ेगा, वोट जरूर डालना है। जितने भी लोग हैं जो चाहते हैं बीजेपी आए, उनको वोट जरूर डालना है, नहीं तो फिर यही हालत होंगे, इतने बड़े 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 उलटफेर होंगे। और मार्केट में भी इन्वेस्टर्स काफ़ी निराश हैं, क्योंकि बीजेपी को बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है जो एक्सपेक्टेशन थी उससे। अभी ये 2019 में आप देखेंगे बीजेपी की 303 सीटें थी, कांग्रेस की 52 थी, और ये सारे जो आप देखेंगे, सबसे इंटरेस्टिंग, समाजवादी पार्टी की सिर्फ 5 सीटें थी, और यहीं पे समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ा डेंट दे दिया बीजेपी को। अगर इस साल देखेंगे, इस बार देखेंगे, बीजेपी की 240 सीटें आई हैं, 63 सीट का लॉस हुआ है बीजेपी को, जो बहुत बड़ा सेटबैक होता है। और बाकी आप देखेंगे तो ये सारी पार्टीज का फिगर दिया हुआ है, किसको कितना सेटबैक हुआ है। समाजवादी पार्टी की 32 सीटें बढ़ गई हैं, आप खुद सोचिए, यहीं पे मैक्सिमम। और जो तृणमूल कांग्रेस है वेस्ट बंगाल में, उनकी 7 सीटें बढ़ गई हैं। तो देखना, मतलब अभी मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट तो अभी उस मुकाम पे आ गया कि थोड़ा सा आपको रीथिंक करने की जरूरत है, अगर आप इन्वेस्टर्स हैं, कि आपको ये सब फिगर्स देख के कि आगे कुछ भी हो सकता है, बड़ा फॉल भी आ सकता है आने वाले 2-3 महीने में, और वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं अभी निफ्टी की बात कर लेता हूँ। अभी निफ्टी ने जो रैली दी है 2019 से, 2019 में ऑलमोस्ट निफ्टी 11,000 पे खड़ा था, वहां से ऑलमोस्ट डबल हो गया 5 साल में। तो मुझे अभी थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि यहाँ से डबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा 5 साल में। हो सकता है कि यहाँ से और 11,000 बढ़े, क्योंकि स्लो हो जाएगी। ये जो रैली थी, ये बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट रैली थी, अभी उतनी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं है, बहुत फर्क पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, अगर बीजेपी की इस बार भी एटलीस्ट 275 सीटें भी होती थी, तो वी कैन एक्सपेक्ट निफ्टी यहाँ से फिर 5 साल में डबल हो सकता है, जैसा कि लास्ट 5 साल में हुआ है। 2019 में निफ्टी 11-12 हजार पे था, अभी 22-23 हजार पे, तो डबल हो गया है ऑलमोस्ट। दूसरा, कमोडिटी में मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये जो रैली आई है सिल्वर भी, फिर से अभी सिल्वर नीचे आएगा मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि चुनाव ओवर हो चुके हैं और वो दिखना भी शुरू हो गया है। आप देखेंगे सिल्वर की रैली में भी, अभी ये प्योर डाउन डाउनवर्ड की तरफ ट्रेंड हो रहा है। गोल्ड का भी आपको सेम दिखेगा, गोल्ड ज्यादा फॉल नहीं होता है, बट एक गोल्ड में भी अभी एक ठहराव आ जाएगा जो आप देख रहे हैं। अभी आ जाते हैं अडानी स्टॉक्स पे। अडानी स्टॉक्स अभी मतलब जिस हिसाब से गिरे हैं, कल के दिन में ही आप देखेंगे डायरेक्टली 37 से 299 के आसपास आ गए, 2996 के आसपास आ गए, 700 पॉइंट्स की गिरावट, ऑलमोस्ट 18-20% कल ही गिरा है अडानी के स्टॉक्स, और आज फिर से थोड़ा दबाव में है। तो ये भी बीजेपी से रिलेटेड लोग करते हैं, बीजेपी की सत्ता थोड़ी कमजोर हुई तो अडानी के स्टॉक्स भी गिरना शुरू हुए, सेम विद अडानी पोर्ट, ये आप देखेंगे अभी थोड़ा उठने की कोशिश कर रहा है। कल भी अडानी पोर्ट बहुत ज्यादा गिरा,
ऑलमोस्ट 1500 से डायरेक्ट 1300 की रेंज में आ गया। अभी मुझे ऐसा लगता है आपको HDFC बैंक जैसे स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़े से मुझे स्टेबल लगते हैं, ना कि अदानी जैसे स्टॉक्स में जहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। HDFC बैंक एक ऐसा बैंक है जिसका अर्निंग भी बहुत अच्छा है और पी रेशियो भी काफ़ी स्टेबल है। तो ओवरऑल मैंने आपको बताया, निफ्टी का भी बताया, थोड़ा कमोडिटी का भी बताया कि किस हिसाब से चीज़ें वर्कआउट हो सकती हैं। बट दोस्तों, सोचने वाली बात है कि जो किसी ने एग्जिट पोल में भी नहीं बता पाया था वो हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की जो लीडरशिप है, कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कुछ लोगों के ऊपर ही उन्होंने डिपेंड कर दिया है। स्पेशली मोदी जी और अमित शाह जी के वो ही पूरा फोकस कर दिया है, इसलिए बीजेपी की सीटें कम आई हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे, यू नीड ए रीजनल प्लेयर। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, जहां पे अभी मैं अवेलेबल भी हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा जो मराठा वोटिंग है वो बीजेपी से नाराज हुआ है। मे बी वो आरक्षण के चलते हुए या जो भी, जिस तरह से उन्होंने मुद्दे को कैटर किया, यहाँ पे मराठवाड़ा से उनको लीडर्स चाहिए थे। सेम मुझे ऐसा लगता है कि वेस्ट बंगाल में भी, वेस्ट बंगाल में उनके खुद के बंगाली लीडर्स वहाँ पे खड़े करने चाहिए थे बीजेपी को। और यूपी में भी ऐसा हुआ है कि बहुत ज़्यादा वो लोग योगी जी के ऊपर डिपेंड है, जो कि काम कर रहे हैं, बट यू नीड अ सपोर्टिंग कैंडिडेट्स जो कि वहाँ पे लीड कर पाए। और बीजेपी को मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा रीजनल बेसिस पे लीडर्स बढ़ाने चाहिए, ताकि वो रीजनल वोट्स को भी कैशिफाई या उनको भी ले पाए। क्योंकि बीजेपी का जो अभी पूरा एक हाई कमांड के ऊपर ही डिपेंड है, और जिस तरह से अभी महाराष्ट्र में तो मतलब जो भी कुछ भी हुआ लास्ट 5 सालों में, मुझे ऐसा लगता है कि वो सब की जरूरत ही नहीं थी। अगर बीजेपी उद्धव ठाकरे को सीएम पोस्ट दे देती थी, तो ना तो शिवसेना टूटती थी, शायद बीजेपी को फिर से यहाँ से जो कम सीटें मिली हैं, 5-10 सीटों यहाँ से इजाफा हो जाता था, या फिर वेस्ट बंगाल में वो लीडर खड़ा करती थी तो वहाँ से उनको सीटें मिल जाती थी, या फिर यूपी में थोड़ा सा उन्हें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत थी, वहाँ पे वो 10-15 सीट बचा सकते थे। तो ओवरऑल थोड़ा सा अभी जो बीजेपी के हाई कमान है उनको थिंक करना चाहिए, और रीजनल लेवल पे भी कैंडिडेट खड़े करने चाहिए। क्योंकि आप क्यों मेजोरिटी है, आपको थोड़ा और एफर्ट डालना था तो 20-30 सीटें आप जीत सकते थे एक्स्ट्रा, और एक स्ट्रांग गवर्नमेंट दे सकते थे। तो थोड़ा सा अभी हुआ क्या है कि मार्केट अभी, मुझे ऐसा लगता है आने वाले 1 साल या 6 महीने या आने वाले 5 साल, थोड़ा सा मार्केट आपको दोनों साइड के मूव देगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। क्योंकि दिस दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ वन वे रैली। जो आपने 2019 से 2024 में देखी वन वे रैली थी, अभी वन वे रैली थोड़ा सा आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी पहले थी। अगर मैं कंपेयर करूं अदानी जैसे स्टॉक्स की, उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। देखो, PSU बैंक्स के जितने भी PSU या गवर्नमेंट स्टॉक्स है उनको भी फर्क आएगा, डिफेंस के भी स्टॉक को थोड़ा सा फर्क आएगा, जो 5 साल में बहुत चले हैं। अभी अगर बीजेपी को कुछ भी डिसीजन लेना है तो उसे अपने अलायंस से पहले डिस्कस करना पड़ेगा, उनकी रजामंदी लेनी पड़ेगी, तो ही वो कोई डिसीजन ले पाएंगे। जैसा कि पहले बीजेपी डिसीजन लेती थी डायरेक्ट बिना किसी से पूछे, अभी थोड़ा सा उनको कॉन्शियस होके, कोई बिल भी पास कराना है तो भी कॉन्शियस होके उनको पहले अपने अलायंस को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, और फिर ही वो डिसीजन ले पाएंगे। तो थोड़ा सा जो एक बोल्ड गवर्नमेंट, आप मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ी सी मिसिंग होगी। और जो थोड़ा सा एक रहता है ना कि ये रिफॉर्म कर दिया, ये नोटबंदी कर दी, GST लिया है, या जो भी दूसरे उन्होंने मुद्दे किए थे, अभी बीजेपी थोड़ा सा सोच के डिसीजन लेगी, क्योंकि उन्हें अपने अलायंस को भी साथ में लेके चलना है। और मुझे ऐसा लगता है बीजेपी 5 साल कंटिन्यू करेगी। बट ये दोस्तों राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे पॉलिटिशियन रिवेंज रिवेंज भी लेते हैं, भले उनको ठीक है कुछ ना मिले, वो उनके अलायंस को ऑफर कर देंगे PM का पोस्ट या कोई बड़ी पोस्ट, तो ऐसा भी हो सकता है। अभी बीजेपी मोस्टली डिपेंडेंट नायडू जी के ऊपर और नीतीश कुमार जी के ऊपर। तो ये दो जो अलायंस हैं जिनके पास ऑलरेडी 30 सीट्स हैं, इनके ऊपर बीजेपी का अभी डिपेंडेंसी ज़्यादा है। अभी एक एक सीट की वैल्यू
बहुत ही ज्यादा होने वाली है। ऐसा नहीं होगा जैसे अभी महाराष्ट्र में एनसीपी, जो अजीत पवार जी के पास एक सीट है, उनका भी वैल्यू उतना ही रहेगा जितना शिंदे जी, उनके पास ऑलमोस्ट 7 सीट है, उनका भी वैल्यू, क्योंकि बीजेपी को अभी सबकी सुन के चलना पड़ेगा, क्योंकि उनके अलायंस उनको चाहिए ही, उनके बिना वो सत्ता भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। बीजेपी को थोड़े मंत्रालय भी डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे अच्छे अच्छे और थोड़ा सा अभी मुझे ऐसा लगता है बीजेपी जितनी एग्रेसिव थी, बोल्ड थी, जितने डिसीजन ले रही थी, थोड़े से उसमें हॉल्ट आ सकता है फॉर अ मीन वाइल। बाकी आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है। मैं तो थोड़ा सा सरप्राइज हो गया क्योंकि मैंने भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे ऐसा लग रहा था एटलीस्ट 275 या 300 तो मार्क टच कर देगी बीजेपी वाले इंडिविजुअली, बट नहीं हुए। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी बीजेपी को रीजनल लीडर्स उतारने की जरूरत है, हर स्टेट में एक नया फेस देने की जरूरत है जो कि वहां पे लीड करे और ओवरऑल वहां के पब्लिक को कॉन्फिडेंस में ले। तो सिर्फ दो चार लोगों से काम नहीं होने वाला है, ये बहुत बड़ा देश है, आपको बड़े बड़े लीडर चाहिए, हर स्टेट के लिए एक अलग लीडर चाहिए और वो फेस भी चाहिए कि भाई यहाँ के डिसीजन ये लीडर लेगा, इस स्टेट के डिसीजन ये लीडर लेगा, फिर वो लोकसभा हो या फिर कोई भी चुनाव हो, राज्यसभा हो या फिर सिटी के चुनाव हो, म्यूनिसिपल के चुनाव, आपको हर एरिया में एक एक लीडर उतारना पड़ेगा। अभी आप देखेंगे यूपी में अखिलेश यादव बड़े लीडर बन गए, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी बड़े लीडर बन गए, महाराष्ट्र में आप आएंगे उद्धव ठाकरे, सुप्रिया सुले, शरद पवार, ये लोग लीडर, इन्होंने ये सब जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ इन्होंने बीजेपी के वोटिंग ली है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दे आर द फेस, यू नो, आपको हर पॉकेट में एक एक लीडर चाहिए। तो वहां और ओवर कॉन्फिडेंट हो गई मुझे लगता है बीजेपी कि भाई हमारी इतनी सीट्स आएंगी आएंगी। अभी वो क्यों ओवर कॉन्फिडेंट हुए, मे बी अभी रिसेंट में उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, इंफ्रा पे अच्छा काम किया है, राम मंदिर का भी काम हुआ, या थोड़े से जो मतलब सोशल मीडिया पे जो चलता है उसके कारण वो ओवर कॉन्फिडेंट थे, या एग्जिट पोल के कारण ओवर कॉन्फिडेंट थे। बट अभी रियलिटी थोड़ी डिफरेंस है, स्पेशली इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए मार्केट थोड़ा सा टफ आने वाला है, एटलीस्ट आने वाले 10-15 दिन, और उसके बाद मेरे को लगता है दिवाली तक या 1 साल तक आपको पिक्चर क्लियर होगी कि ये गवर्नमेंट स्टेबल है कि नहीं, या इंडी के भी आने के चांसेस है कि नहीं। तो दोस्तों जो भी हुआ उसका मैंने आपको लेखा जोखा दिया जो मैं दे सकता था, आई होप मैं आपको कुछ इंसाइट दे पाया हूँ, और यही वीडियो को समाप्त करते हैं। हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर, बाय बाय।